कर्नल साहब के परिवार के बारे में कहना चाहता था, चुपचाप रहिए। मंच पर नेता और सामने पड़ी चप्पलें, तस्वीरें ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, महज 2 दिन पुरानी है। इस मामले में पुलिस ने जूता फेंकने वाले पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 लोगों को नामजद कर पुष्कर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब जरा आपको पूरी घटना से रूबरू करवाते हैं। पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसल के अस्थि विसर्जन समारोह में लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए थे। इस कार्यक्रम में जैसे ही खेल मंत्री अशोक चांदना ने भाषण देना शुरू किया, भीड़ में से कुछ लोगों ने पहले सचिन पायलट के पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी, वहीं बाद में उन्होंने चांदना के तरफ जूते, चप्पल और पानी की बोतलें फेंकी। हालांकि फेंके गए सामान चांदना तक नहीं पहुंच पाए। इस मामले में चांदना ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। चलिए आपको बताते हैं चांदना ने क्या ट्वीट किया। चांदना कहते हैं, मुझ पर जूता फेंकवा कर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाएं, क्योंकि आज मेरा लड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर कोई नहीं बचेगा और यह मैं चाहता नहीं हूँ। अब जरा चांदना का बयान भी सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने किसी जज की तरह सीधा दोषी पायलट को बताया है। सचिन पायलट को आपने डायरेक्ट ड्यूट पे लिया है जी। उनके नाम से इस बात को बिल्कुल किया। क्या उन्होंने भी दुआया, क्या माने? जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से उड़दंग कर रहे थे, और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। उसके अलावा जो उनमें काफी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो निरंतर उनके कार्यकर्ता रहे, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात उठने बैठने चलने वाले लोग हैं। तो इसमें कोई ऐसा तो आंखें तो बंद किसी की है नहीं, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीतिक भाषा नहीं है। इस प्रकार से अगर इस स्तर पर राजनीति आ जाएगी, नेता एक दूसरे को इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व कर देंगे, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, जनता के मुद्दों से भटकने वाला काम होगा। और मुझे लगता है कि नेताओं को जनता के मुद्दों से कभी नहीं भटकना चाहिए। दरअसल कुछ लोगों ने दिग्वंत कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसल के अस्थि विसर्जन समारोह के दौरान मंच की तरफ जूते, चप्पल और पानी की बोतलें फेंकने के साथ ही मंत्री अशोक चांदना को काले कपड़े लहराकर विरोध जताया था, साथ ही उत्पात भी मचाया था। इस मामले में पुष्कर थाना पुलिस ने स्वप्रसंज्ञान लेकर गोपाल गुर्जर, गिरधारी गुर्जर, सावर लाल गुर्जर, विक्की गुर्जर और जगमाल गुर्जर के खिलाफ IPC की धारा 143, 336, 352, 353 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा भी कई संदिग्ध की फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है। इसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सभी संदिग्धों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगातार प्रयास कर रही है। आपको बता दें, राजनीति में ये पहला मामला नहीं है जब किसी नेता मंत्री की ओर जूते चप्पल फेंके जा रहे हों और या फिर काले झंडे दिखाए जा रहे हों। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और UPA सरकार में मंत्री रहे NCP के प्रमुख शरद पवार को भी थप्पड़ लग चुके हैं। राजनीति गलियारों में ये चर्चा है कि ये पहला मामला है जहां बिना किसी शिकायत के पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं जिन मंत्री को जूते चप्पल लगे भी नहीं और कोर्ट की तरफ से दोषी साबित किए बगैर ही चांदना ने पायलट को मुजरिम करार दिया।